खुदा ना खास्ता मियाँ बीवी में अगर कोई बात होती थी, शौहर शाम को वापस आता था, मामला ख़त्म हो जाता था। अब जब से ये सस्ता दौर आ गया कॉल करने का, अब यहाँ ज़रा सी बात होती नहीं है, दुनिया में फैल जाती है। हर कोई मशवरे दे रहा है, तुम्हारे शौहर ने ये किया होगा, वो किया होगा, सास का काम होगा, नंद का काम होगा, ये सब क्या है? ये मीडिया है। इसको समझने की कोशिश करें, घरों को बर्बाद, ख़ास तौर पर जवान बच्चे बच्चियाँ, अपने आप को अपने नफ्स को बचा के रखें। कितने लोग मैसेज करते हैं, मैं जवानों की बात कर रहा हूँ, जवान बच्चियाँ भी मैसेज करती हैं, जवान लड़के भी मैसेज करते हैं कि हमें इश्क हो गया है, हमें मोहब्बत हो गई है मौलाना, हमसे रहा नहीं जाता, हमें रातों को जाग जाग कर कोई अमल बताएं, कुछ चीज़ें बताएं। अज़ान मोहतरम, ये खोखले रास्ते हैं, ये हकीकत नहीं है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है, अगर आपको कोई पसंद किसी वजह से आ जाए तो सही तरीका घर वालों के ज़रिए है। गुफ्तगू नामहरम की तीसरा शैतान होता है, तीसरा शैतान होता है, जो रात को अगर आप खुदा ना खास्ता ये गुनाह आपसे हो रहा है तो सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कैसे पढ़ेंगे फजर की नमाज आप जब गुनाह हो? अपने आप को बचाएं, इन चक्रों में ना पढ़ें, अपनी ज़िंदगी का हदफ मुअय्यन करें। और जो वालदैन बेहतर समझते हैं, देखें खुद जब इंसान, कोई लड़का अगर अपने लिए कोई लड़की को ढूंढता है ना, तो वो सिर्फ लड़की को देखता है, जबकि घर वाले ख़ानदान देखते हैं। और तरबियत ख़ानदानों में होती है, ये ज़रूरी है, इसको समझें। ये ज़िम्मेदारी है कि कल को आपके आगोश में इमाम का सिपाही पैदा होगा, तो आप अपने आने वाली औलाद के लिए एक साले माँ ढूंढें, ना सिर्फ एक तस्वीर के इंसान उस पर देखे। और इसलिए मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं ना कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले, इमाम इरशाद फरमा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले, तुम्हारे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है, कम से कम कीमत। अगर तुम बेचना चाहते हो ना अपने नफ्स को, तो जन्नत से कम नहीं बेचना। एक तस्वीर की खातिर, एक ताल्लुक की खातिर, एक बात की खातिर नहीं, जन्नत कम से कम जन्नत है। और जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम अस्हाबे इमाम हुसैन का है। जन्नत की नेमतें तमन्ना करेंगी कि ये एक निगाह हमें देख लें, मगर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जन्नत हुसैन है, उनकी जन्नत हुसैन है। और जाए इसको समझने, ये वो वादी है जो दावत दे रही है, आओ आओ, हम भी तुम्हें दावत देते हैं, आओ इस वादी के अंदर आओ, इश्क की कैफियत से आशिक की तरह आओ।